हाई गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू कलर माई रूट्स. मेरे 7th स्टैंडर्ड से सफ़ेद बाल थे और पहले मैं शुरू में मेहंदी लगाती थी. पहले तो कम थे, फिर जब मैं मेहंदी लगाने लगी तो मतलब टाइम के साथ बढ़ता गया. अब काफ़ी ज़्यादा है, मुझे मंथ में एक बार तो कम से कम करना पड़ता है. सर्दियों में बच जाता, फिर भी टोपी वोपी डालो तो. सो अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया था एक ब्लॉग में, मैंने हाइलाइट्स कराए थे बालों में, और हाइलाइट्स थोड़े मैंने नीचे से कराए ताकि रूट्स में कलर कर सकूं. अभी मेरे रूट्स बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं. कभी कभी मैं गार्नियर यूज़ करती हूँ और कभी कभी लॉरियल. अपने आप ही आ रहा है, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, इतना. मैंने पहले एक्चुअली मेहंदी से शुरू किया था हेयर कलर करना, जब स्टार्टिंग में कम मतलब थे वो लाइट. मैं क्या बोल रही हूँ, ये अपना, हाँ, सफ़ेद बाल थे जब कम, तब मैं मेहंदी से स्टार्ट किया. और मैंने काफ़ी साल कॉलेज ख़त्म होने तक मेहंदी ही लगाया. बट मेहंदी का ये है कि वो बहुत देर तक रखना पड़ता है, कभी कभी ओवरनाइट, और कलर ईजी हो जाता है आधा घंटे में चकाचक. ओके, सो अब हम करेंगे मिक्स. दैट्स इट, इतना मिक्सचर मैंने कम ही लगाया क्योंकि हमें सिर्फ अपने रूट्स कवर करने हैं. अभी मुझे ग्लव्स ढूंढने हैं. ओ, यहीं पे हैं. सबसे पहले याद आया, पहले सबसे पहले हमें अपने एजिस में वैसलीन लगाना है साथियों, क्योंकि ये कलर का स्टेन ना यहाँ भी रह जाता है. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई सम वैसलीन. ऑयल से भी काम बन जाता है, मतलब किसी टाइप का अगर आप ऑयल लगाते हैं जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह, उससे भी चल जाता है, बट वैसलीन बेटर ऑप्शन है. मैंने नहाना ही है बाद में, सो इसलिए वैसलीन लगा. और मैंने कलर करने का इसलिए सोचा क्योंकि बाल काफ़ी गंदे हो गए थे. सबसे पहले मैं सेंटर पार्टीशन करती हूँ, तो सबसे पहले हम सेंटर पार्टीशन में ही कलर लगाएंगे. ऐसा लग रहा है बालों ने पॉटी कर दी है. अभी हुए 10:32. ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेंटर पार्टीशन. सो जब कुछ स्टोरी बताते हैं अपने बालों के बारे में, मेरे 7th में इससे थोड़े छोटे बाल थे, इतने शोल्डर के ऊपर तक, जब मेरे सफ़ेद बाल आना शुरू हुए थे. तो मैं क्या करती थी, तो मम्मी ने पहले सजेस्ट किया कि मेहंदी लगानी चाहिए, उससे नहीं आएंगे, ठीक है. तो मैं मेहंदी लगाती थी, है ना, हर मंथ, ताकि मेरे सफ़ेद बाल छुपे. तो मेरी एक टीचर है, तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मेरे बाल देख के बोला, ओह माय गॉड, देचिन बालों में कलर लगाया है. 8th में थी मैं. अभी से ये हाल होगा तो बाद में क्या हाल होगा, मैं आपको लगा कि शायद मैं शौक से फैशन के लिए लगा रही थी. वेल मैम, आप गलत थे. ऑल्दो स्टाइल तो मैं मानने की कोशिश करती थी, बट बालों में मेहंदी लगाना वाज नॉट अ चॉइस, वो मजबूरी थी मेरी, ठीक है. इस तरह से मैं करती हूँ. काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि यू नो, नेचुरली ग्रो होने दे बाल सफ़ेद. जी नहीं, अभी तो नहीं, बाद में मैं सोच सकती हूँ. नॉट राइट नाउ. ये देखो, कैन यू सी वाइट हियर. इस तरह से हम लगाते जाएंगे. अगर तुम लोगों को कोई हेयर कलर पता है ना जो रीजनेबल रेट पे मिलता हो, जिससे जो ग्रे हेयर कवरेज के लिए बढ़िया हो, तो तुम्हें पता ना किसको बताना है, मुझे बताना. पहले मेरे बहुत लंबे बाल थे, मेरे कमर तक, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैं मैनेज ही नहीं कर पाती थी. स्पेशली जब मैं चंडीगढ़ में पढ़ती थी तब तो बिल्कुल नहीं, हमेशा जोड़ा ही रखना बनाना पड़ता था, क्योंकि अगर खोल के रख दो तो ऐसी मौत आती थी गर्मी से. ओह, मत पूछो भाई. अब हम लगाएंगे पीछे, जस्ट इनकेस हम दो चोटी टाइप करते हैं. ओके, अब इस तरह से हम
तो जूड़ा बना लेंगे और इस तरह से क्लिप लगा लेंगे। अब हम आधा घंटा रुकेंगे सहेलियों। ओके नेक्स्ट वी आर यूजिंग दिस फेस मास्क। लाइक ये शायद हफ्ते में एक या दो बार लगाना है हमें। मुझे जब जब याद आता है कि मेरे पास मास्क है तब तब लगाती हूँ, बट नॉट मोर देन टू टाइम्स अ वीक। लग चुका है क्लेंज क्रीम, लग गया है। अब हम मुंह के लिए 10 मिनट रुकेंगे और बालों के लिए आधा घंटा, फिर उसके बाद हम धोएंगे दोनों और मैं परम सुंदरी बन जाऊंगी। तब तक चश्मा पहन लेती हूँ ताकि परम सुंदरी कहीं गिर ना जाए। आई हैव सीन इंस्टाग्राम वीडियोज जहाँ लोग ऐसे मास्क टाइप लगा के अपने डॉग्स के पास जाते हैं और अजीब रिएक्शन आता है। ऑल्दो मेरा तो ऑलमोस्ट सूख गया, बट लेट्स सी। बाल पीछे से निकल रहे हैं और मैंने थोड़ा मुँह छुपाया। डॉबी के पास जाते हैं हम। डॉबी ये क्यों किया तूने मेरे साथ, धोखेबाज। फ्रेंड इन अमन डॉबी, ये फ्रेंड इन अमन। हाँ डॉबी मुझसे भाग रहा है, अभी आता तू खाने के टाइम, रुक जा डॉबी। मैं पीछे को चल रही हूँ। टोनी इज हियर टू विजिट अस। टोनी से हाय। हाय बोल रहा है। टोनी मेरा दोस्त है। गरम पानी जी को मैंने केटल में रख दिया है। गरम पानी जी गरम होने वाले हैं। जब तक गरम पानी जी गरम होने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ कि ये जैसे आइस ट्रे है मेरा ये कैसे टूटा। तो एक दिन मैंने जाजू के लिए चिकन बॉईल किया था और चिकन और चावल मैंने था और वो मुझे लगा उसको ज़्यादा भूख लगी है तो गरम गरम तो दे नहीं सकती थी। फिर मैंने फ्रिज में रख के फ्रिज फुल पे ठंडा होने को रख दिया। फिर जब वो ठंडा हुआ ना खाना, मैं फ्रिज को वापस नॉर्मल करना भूल गई थी और फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। फिर जब मैंने ऐसे ट्विस्ट किया बर्फ़ निकालने को टूट गया। ये है मेरी स्टोरी। ये इसमें हम पियेंगे। ये मेरा नया टम्बलर है जो मैंने सोच से लिया। इसमें हम बर्फ़ डालेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः। अभी बर्फ जितनी पीनी है पी लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे एक दो दिन में पीरियड्स आने वाले हैं। फिर ठंड सी लग जाती है, फिर मूड ही खराब हो जाता है। और मैं ये बोलना चाहूँगी इसके साथ स्ट्रॉ भी आता है, ये है ना। तो अगर आपको मिनिसो जाती हो तो ये वाला टम्बर काफ़ी अच्छा है। इसका ये फ़ायदा है कि मैं बताती हूँ, यहाँ स्ट्रॉ है, यहाँ से सिप करके पी सकते हो और इस साइड ऐसे वाला। तो ये टम्बलर दोनों लेना। ये मेरे मुझे 600 रुपए का आया। पानी जी गर्म हो गए हैं। अब पानी जी को हम मिक्सी जी में डालेंगे इस तरह से, पानी चीनी घुल जाए। फिर हम कॉफ़ी जी, चीनी जी और पानी जी को इस तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी चीनी ऊपर ऊपर रह गई है। ओ भाई घुल जा भाई साहब। डन। इस तरह से अब वैनिला आइसक्रीम। इतना बचा है, मुझे डर था घर वालों ने खत्म ना कर दिया, पर नहीं। देखो मैं इतना डाल रही हूँ, थोड़ा सा आइसक्रीम डालने से थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। डल गया। अब थोड़ा दूध। अब दूध जी को डाल देंगे, उस गाय को थैंक्स जिसने ये दूध दिया। अब इस तरह से हम लेट से कवर कर देंगे। वैनिला आइसक्रीम डालना कोल्ड कॉफी अगर आपको पसंद है। ओह क्या कॉफी बनती है। रेडी। भूत नहीं,
मेरी कॉफी बंद से पहले बंद, लाइट बंद हो गई। नो मेरी कॉफी बंद रही थी और लाइट ने ये हरकत की है। ये सोलर वाला लाइट है, वाई बट आई थिंक ऑलमोस्ट बन गई है कॉफी, बस आइसक्रीम घुल गई हो, बन गई है। बाहर जाके हम डालते हैं, बड़ा सुंदर लगेगा। ठीक है रेडी, लगता है बहुत स्वादिष्ट है। आप क्या देख रहे हैं डॉबी? ये इतना है, इस तरह झाड़ दो इसको, इसको अंदर से जाएगा ये। ओ सॉरी ब्लॉक कर, यहाँ जाएगा। I'm a complain girl. No, I'm clearly not a complain girl. Wow. थोड़ी और बर्फ डालनी पड़ेगी। घर के एक अच्छे सदस्य की तरह मैं ये वापस फिल करके रख रही हूँ। ओके और कॉफी अच्छी बनी है। ओपसी सॉरी, बस थोड़ा सा ज्यादा मीठा हो गया, मतलब थोड़ा मीठा, मतलब अगर 10 में से 8 मार्क्स दूंगी मैं। थोड़ा मीठा मुझे लगा, कॉफी बर्फ डालने से सही हो जाएगा, बट बर्फ अभी खत्म है, बट थोड़ा मैं और दूध डाल के चल जाएगा। ओके सोचा तुम लोगों को झूठ क्यों बोलूं कि 10 में से 10 कॉफी बनी है। कॉफी अच्छी बनी है बट चीनी थोड़ी ज्यादा डल गई है सहेलियों। दिस इज माय व्यू। मैं अभी नहाई एंड थोड़ी ठंड लग रही है अब, और लाइट नहीं है तो बाल सुखा नहीं सकती, तो थोड़ी हवा चल रही थी तो ठंड लग गई। अभी मैं धूप में हूँ। ओके अभी लाइट नहीं थी सो यहाँ धूप में बैठ के बुक पढ़ रही थी, फिर से पढ़ने का टाइम आ गया। ओके अभी मैं 15 मिनट से कुछ डांस मूव प्रैक्टिस कर रही थी, अब भूख से लग रही है, सो लेट्स गो ईट समथिंग। तो मैंने एक सैंडविच बनाया है वेज, उसके साथ खुद से चटनी बनाई है और बनाना शेक, और साथ में ना मेरे पास ये ब्लू बेरी फ्लेवर्ड जो भी है बिस्किट थे, तो ये 4 मैंने डाले बनाना शेक में जस्ट फॉर फ्लेवर। सो लेट मी शो यू, मैंने सैंडविच बनाया है, ठीक है वेज, ये चटनी मैंने खुद बनाया। ओके देन वी हैव बनाना शेक विद ब्लूबेरी फ्लेवर्ड बिस्कुट्स। तूने इसमें आइसक्रीम भी डाला? नहीं, आ तो रहा है टेस्ट, आइसक्रीम नहीं इसमें। आइसक्रीम मेरा इसमें डाला, आइसक्रीम डाला, बिस्कुट डाला है, बिस्कुट। हाँ चल एक और बाइट ले बीच का, फिर पता लगेगा असली टेस्ट का। 1 2 बोल अभी पहले जुबान से पहले यहाँ पे मेरा बीच वाला सेंटर आया नहीं है, बीच वाला सेंटर बीच वाला सेंटर नहीं आया। बीच वाला सेंटर नहीं आया, नहीं आया है अभी, पत्ता वाला लीव आया, पत्ता वाला लीव खा ले, इसमें टमाटर वाला ना टमाटर है। दिली ने खाना खा लिया अपना सारा, डॉबी ने भी खा लिया, जाजू का थोड़ा खाना बचा है, डॉबी वहाँ हाथ डालने जा रहा है। डॉबी आया मजा साले, भुखमंती में जाता तू।